घंटा दो दो घंटे में एक गाड़ी कभी निकलता था दो जी जी। भाड़ा का तो कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से तो जी जी। महंगाई इतनी ज्यादा, इतना महंगा हो गया पार्ट, इतना महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा पार्ट। ट्रक का पोजीशन देख के लेने का मन नहीं करता जी। गाड़ी खड़ी हो जाएगी, किसी भी मांगेंगे कि भाई दे दे पैसे। ट्रक बना के बेच भी दिया मैं। ट्रक था लीलैंडी चला रहा था, BS4 चला रहा। क्या चलाया आपने? अपने कोई गाड़ी नहीं बची, कोई गाड़ी भी नहीं बचा। बढ़िया मैं लगा लीलैंड का BS4 ऐसा पार्ट था, जैसा एंटीनेटर हो गया, सेलफ हो गया, अपने आप खोल के बना। परेशान भी रहता है इसमें कभी कभी, परेशान होता जंगल में परेशान होता जी जी। बाद फिर 4-5 बजे गाड़ी निकालो, नाइट बैग चलाओ। अच्छा, तो ऐसा सिस्टम दे दिया है जी जी जी। टायर फट भी गया तो गाड़ी ज्यादा बैठती नहीं है। पहले ज्यादा दिन चलेगा नहीं, उसका परमिट नहीं जी जी। भरोगे जी जी, 3 महीने भी चलता है, 6 महीने भी चलता है जी जी जी। या ज्यादा माल भरोगे तो ज्यादा घिसाई होगी जी जी। इंजन ऑयल आता है, कितना किलोमीटर में इंजन ऑयल बदलने के मतलब टाइम उसका आ जाता है? यूरिया नहीं रहेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, यूरिया चाहिए चीज है। 1300, 1320, 1350, 40 लीटर पसंद है ये वाला ट्रक। ये कनाडा और US में चलता है, कभी मौका मिला आपको ये ट्रक आप चला पाएंगे? नहीं चलाएंगे, ऐसे ही थे जी जी, ऐसे ही थे। सेफ्टी बहुत थी इसमें, सेफ्टी बहुत है। अगर एक्सीडेंट होगा कुछ तो इंडिया ने रोक लेता। हां बस नहीं, डब्बा बंद करो और लेके चल लो। अच्छा सही है बात, लोग पेमेंट नहीं देते ना। अच्छा सेट पेमेंट नहीं देते इसलिए चलाने में 120 तक है, 140 तक है जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं दोस्तों रन ऑन व्हील्स। दोस्तों एक नया दिन, एक नया ट्रैक के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आपके ठीक सामने दोस्तों मौजूद है अशोक लेलैंड का ABTR मॉडल दोस्तों 2820HG। दोस्तों ये BS6 में आता है दोस्तों ये मॉडल, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों खड़ा हुआ है। और उस्ताद जी हमारा अभी खाना बनाकर खा चुके हैं और उसमें जो डेक्ची वगैरह जो होता है, जो सामान होता है, उनको साफ़ कर रहे हैं। उनसे जानेंगे इस ट्रक के बारे में, साथ ही में उस्ताद जी के बारे में जानेंगे, बहुत सारे बातें होगा दोस्तों। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अगर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस ट्रक के बारे में दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इस ट्रक के चक्के के बारे में दोस्तों, देख सकते हैं सामने हो दोस्तों इसका 2 चक्का और पीछे हो गया दोस्तों इसका 8 चक्का, यानी कि 10 चक्का का एक कंटेनर ट्रक है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरीके से भाई ने यहाँ पर इसको मतलब कि कलर जो किया है इसका दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार दिख रहा है। ये ब्लू कलर में आता है और साथ ही में इसमें दोस्तों ये चॉकलेट का कलर दोस्तों इसमें बहुत ही शानदार और खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये MH का गाड़ी है, यानी कि महाराष्ट्र का गाड़ी है। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अशोक लेलैंड का जितने भी दोस्तों ट्रक होता है उसमें दोस्तों ये गोल गोल तरह का इसका हेडलैम्प दिया होता है। देखिए दोस्तों इसका हेडलैम्प दोस्तों इसमें डबल हेडलैम्प, यानी कि 4 हेडलैम्प इसमें लगा हुआ है। और अशोक लेलैंड का दोस्तों ये ब्रांड लोगो देख सकते हैं आप, ये ब्रांड लोगो बहुत ही शानदार अशोक लेलैंड का ये लोगो दिख रहा है। और यहाँ पर अशोक लेलैंड का यहाँ पर लिखा आ गया दोस्तों। ये हो गया दोस्तों इसका ABTR मॉडल। और ये हो गया दोस्तों इसके सामने से एक बम्पर भाई ने यहाँ पर लगा कर रखा है। देखिए आगे पीछे से अगर बात करूँ, इस साइड से अगर दिखाऊँ ट्रक दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो USA का और कनाडा का जो ट्रक होता है दोस्तों उसका भी यहाँ पर वो स्टिकरिंग करके देखिए इसमें आ जाता है दोस्तों। ये तकरीबन 400 या 420 लीटर का एक डीजल टैंक होगा इसमें, देख सकते हैं आप। और साइड में बहुत ही शानदार दिख रहा है, ये नया ट्रक है दोस्तों, नया नया टायर इसमें लगा हुआ है, अपोलो का टायर इसमें लगा हुआ है। और ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ स्पेयर पार्ट जो होता है, यानी कि स्टेपनी जिसको बोलते हैं। और इस साइड से अगर दोस्तों पीछे से अगर इस ट्रक की बात करें तो पीछे तो दोस्तों खास कुछ इसमें पीछे से सजावट नहीं है। तो दोस्तों उस्ताद जी अभी हमारा काम से मतलब कि फ्री हो चुके, उनसे चल कर बात करते। उस्ताद जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारा चैनल पर। उस्ताद जी आपका नाम जैसे अभी आप क्या बता रहे, हमें ध्यान से निकल गया। पंचम सिंह। अच्छा पंचम सिंह आपका नाम है, आप कहाँ के रहने वाले आप? मैं नागपुर का। नागपुर जो आता है महाराष्ट्र में आता है नागपुर। तो आप कितने सालों से स्ट्राइक लाइन में काम कर रहे हैं? मैं 18 साल का था, अभी जोड़ लो कितना साल। अच्छा 18 साल आपका उम्र था उस टाइम से आप काम कर रहे हैं। अभी आपको कितना होगा, लगभग 40+ होगा? हो गया 50 कर ले पल गया। अच्छा 50 साल आपका हो गया, यानी कि आप हो गया 32 सालों से काम कर रहे हैं आप? 32-35 साल हो गया। 32-35 सालों से आप इस ट्रक लाइन में है, मतलब कि आप उस दौर के ट्रक ड्राइवर है आप, जिस दौर में गाड़ी का मात्रा बहुत कम बहुत था। कम था, दो दो घंटे में एक गाड़ी कभी निकलता था। जी 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 जी, वो भी छोटी गाड़ी या गाड़ी। जी जी, नई गाड़ी कोई नहीं निकला। जी जी, सब पुरानी गाड़ी था आपका। आप सिंगल रोड था पूरा। जी जी, सिंगल रोड था, उसमें गाड़ी भी ज्यादा नहीं था, एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा नहीं होता था उस टाइम में। कैसे क्या मतलब गाड़ी का भाड़ा, जैसे कि आप बात कर रहे थे उस टाइम में कैसे भाड़ा मिलता होगा आपको? भाड़ा का तो कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से तो। जी जी, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, महंगाई से आपसे भाड़ा नहीं है जी। इससे अच्छा पहले था। अच्छा, इस
समस्या जब पहले था भाड़ा में, आदमी को बचता तो 2 पैसे, अब तो वो भी नहीं बचता था। अच्छा, अब नहीं बचता है भाड़ा में, मतलब तेल वगैरह इतना महंगा हो गया, पार्ट इतना महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा, पार्ट्स महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। आपको जैसे कि अभी आप आए थे खुर्दा माल लेकर आए थे, कहाँ से आए थे माल लेकर? अभी मैं आया था अहमदाबाद, अहमदाबाद जो गुजरात होता है वहाँ से आए थे आप, मतलब गुजरात से उड़ीसा को कितने दिन आपको लग गया आने में? 4 दिन आए। 4 दिन आपको लग गया, जैसे कि आप अकेले चलते गाड़ी में, कोई साथी वाला आपका नहीं है, तो अकेले 4 दिन में आपको लग गया टाइम, मतलब कि रात भर गाड़ी चलाते रहिए या फिर दिन भर? नहीं, अपना जब नींद आती है तो खड़ी करके सो जाते हैं। जी जी जी, गाड़ी तो फिर भी कितना घंटा आप चला लेते हैं गाड़ी? गाड़ी चलाने का तो मैं पूरा दिन चला सकता हूँ, दिन भर में 400 किलोमीटर का सफर कर लेता। अच्छा, दिन भर में आप 400 किलोमीटर चलाते हैं, उसके बाद आप रेस्ट करते हैं? फिर यहाँ 10-11 बजे खड़ी करके खाना पीना खाया सो गया, फिर उधर 4 बजे सो गया। जी जी, का ट्रक लेने के कभी नहीं सोचे आपने? ट्रक का पोजीशन देख के लेने का मन नहीं करता। अच्छा, ट्रक लाइन में अभी ज़्यादा उस दौर वाली बात नहीं है? ना ना ना, अपना नौकरी करने में फ़ायदा। अच्छा, नौकरी करने में फ़ायदा है आपको, क्यों? ट्रक लेने में क्या दिक्कत है उस बारे में बता दीजिए। नौकरी लेने में ये दिक्कत है कि अभी तो टायर फूट गया। जी जी, अपने पास पैसे नहीं है। जी, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, किसी भी मांगेंगे कि भाई दे दे पैसे दे दे। अच्छा, ये बात, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ट्रक लो तो कहो 10-20 लाख अपने जेब में होना चाहिए, तब तक नहीं। टायर फूट गया, इंश्योरेंस बनना है, किस्त बनना है। अच्छा, इतना सब कुछ झमेला इसमें रहता है, इसलिए अपना हिम्मत नहीं बनते, ट्रक बना के बेच भी दिया मैं। अच्छा, ट्रक आप बनाए थे, आप फिर बेच दिया आपने, मतलब उसको मैनेज नहीं कर पाए आप? तो ये जो आप ट्रक चला रही है कितना मॉडल का होगा? 2000 कितना मॉडल है ये? अरे अभी 2 महीने की गाड़ी है। अच्छा, ये 2023 मॉडल का गाड़ी है, जैसे कि इसका हर चीज़ नया नया लग रहा है। तो अभी 2 महीने, अभी कितना 13 किलोमीटर गाड़ी चली। अच्छा, ये 1300 किलोमीटर फिलहाल गाड़ी है चला हुआ है, 2 महीना का गाड़ी है। अच्छा, ये जो आप चला रहे हैं क्या कंपनी है इसका? गोविंद कृपा कंपनी है शायद, ट्रांसपोर्ट है। इसके अंडर में कितने सारे ट्रक होंगे? इसके अंदर बहुत ट्रक है, बहुत सारे होंगे, फिर भी अंदाजन कितने होंगे? होंगे 50-60 का इसके अंडर में, ये ट्रांसपोर्ट के अंडर में गाड़ी है आपका। तो ये जो गाड़ी आप चला रहे हैं अभी, आप 2-3 महीने से चला रहे हैं आप, इससे पहले आप इसी कंपनी में चला रहे थे, फिर दूसरे कहीं चला? दूसरे में चला रहा था। अच्छा, दूसरे में आप चला रहे थे, ये अशोक लीलैंड और टाटा क्या चला रहे थे आप? मैं वो भी चला रहा था, लीलैंड ही चला रहा था, BS4 चला रहा था। अच्छा, लीलैंड चला रहे थे, BS4 चला रहे थे आप? BS6। अच्छा, ये BS6 गाड़ी है। तो आपने अपना करियर में क्या क्या ट्रक चलाया हुआ है, जैसे अभी अशोक लीलैंड चला रहे, और क्या चलाया आपने? अपने कोई गाड़ी नहीं बची, कोई गाड़ी भी नहीं बचा आपके हाथों में, सब गाड़ी आपने चला लिया? सब गाड़ी। आइसर भी चलाया आपने, भारत बैंक भी, छोटी बड़ी सब गाड़ी। अच्छा, तो सबसे बेहतर आपको कौन सा कंपनी का गाड़ी चलाने में लगा? सबसे बढ़िया मैं लगा लीलैंड का BS4। लीलैंड का BS4 मॉडल आपको सबसे अच्छा लगा? सबसे बढ़िया सक्सेस गाड़ी। अभी के दौर में, उस दौर में कैसे आपको गाड़ी में क्या कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है? अभी के दौर में ये है, पहले जो है अब तो कोई भी फॉल्ट हो गया तो मिस्त्री बुलाना पड़ता है। जी जी जी, पहले के दौर में ऐसा पार्ट था जैसे एंटीनेटर हो गया, सेल्फ हो गया, अपने आप खोल के अपने आप बना सकते थे आप, अभी ऐसा नहीं कर सकते। रास्ते में खड़ी हो गई तो मिस्त्री के बगैर नहीं होता, तो परेशान भी रहता है इसमें कभी कभी, परेशान होता, जंगल में परेशान होता। जी जी जी, तो उस्ताद जी आपका बहुत तजुर्बा है इस लाइन में, अगर गर्मी का मौसम अभी चल रहा है तो गर्मी के मौसम में टायर लेने का कुछ अलग रहता है क्या, नहीं या फिर बारिश में गर्मी में कुछ अलग ऐसा रहता है? गर्मी में जो है 9-10 बजे के बाद में गाड़ी मत चलाओ। अच्छा, 9-10 बजे दिन में, इसके बाद फिर 4-5 बजे गाड़ी निकालो, नाइट वगैरह चलाओ। अच्छा अच्छा, गर्मी में टायर वगैरह जल्दी मतलब घिसता है, गर्म हो जाता है, घिसता नहीं, गर्म हो जाता है, उसमें फटने का चांस भी रहता है, फटने का चांस रहता है ना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गर्मी में टायर? बहुत बार हुआ है। तो गर्मी में गाड़ी नहीं चलाना, बेवकूफी। अच्छा, बेवकूफी ऐसा मतलब कि फट जाए तो एक्सीडेंट वगैरह होने का चांस रहता है? नहीं, एक्सीडेंट नहीं, अगला टायर जो आपको ऐसा सिस्टम दे दिया है। जी जी जी, टायर फट भी गया तो गाड़ी ज्यादा बैठती नहीं है, पहले अच्छा अच्छा जो है सादा गाड़ी थी। जी जी जी, वो गाड़ी टायर अगला फटने से गाड़ी भाग जाती। अच्छा अच्छा, अगर उसमें पलटने का अच्छा बेहतर रहेगा। जी जी, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी ऐसा नहीं, अभी थोड़ा एडवांस हो गया है, अभी उतना वो बना दिया है कि गाड़ी टायर फूट भी गया। जी जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी, गाड़ी रुक जाती है। ये गाड़ी माइलेज कितना देता है? ये वाला माइलेज अभी नई गाड़ी है, 4 का माइलेज। 4 का माइलेज देता है। तो आपके हिसाब से अगर कोई नया ट्रक लेना चाहता है तो पुराना वाला लेना चाहिए या फिर नया ट्रक लेना चाहिए? अब तो नए दुनिया उठा रहे, पुराना कौन लेगा? पुराना ट्रक नहीं ले रहे आप, हर कोई नया ट्रक अब ले रहा है। पुराना ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, उसका परमिट नहीं। जी जी, और टायर कौन सा रहता है अच्छा, सबसे बेहतर टायर? टायर तो रेडियल रहता है। रेडियल, इसमें जो आपने लगाया हुआ है कौन सा टायर? इसमें रेडियल है, टोटल रेडियल टायर है इसमें। अच्छा उस्ताद जी, टायर का मतलब कि एक्सपायरी डेट कब खत्म हो जाता है, कितना किलोमीटर के चलने के बाद टायर चलने के हिसाब से है? जी, वो लोडिंग के हिसाब से, चलने के हिसाब से है।
फिर भी एक अनुमान माल भरोगे? जी जी, 3 महीने भी चलता है, 6 महीने भी चलता है। अच्छा, ऐसा चलता है। इसका किलोमीटर हिसाब से कोई लेना देना नहीं है? कोई हिसाब लेना देना नहीं है। जितना आप माल वजन भरोगे के हिसाब से जी, घिसाई के हिसाब से। जी जी जी, या ज्यादा माल भरोगे तो ज्यादा घिसाई होगी। जी जी, कम माल भरोगे तो कम घिसाई होगी। जी जी, 3 महीने भी चलता है, 4 महीने भी, 5 महीने भी, 6 महीने भी। जी जी, ऐसा चलता है। तो इसमें जो इंजन ऑयल होता है, कितना लीटर का इसमें इंजन ऑयल आ जाता होगा? इंजन 18 लीटर। 18 लीटर का इंजन ऑयल आता है। कितना किलोमीटर में इंजन ऑयल बदलने के मतलब टाइम उसका आ जाता है? अरे इसका तो अभी 48,000 किलोमीटर भी है। 48,000। और एक बात, इसमें अभी नया ट्रक में BS4 BS6 में यूरिया टैंक कुछ आ गया है, उसका क्या काम रहता है यूरिया टैंक का? यूरिया नहीं रहेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। यूरिया चाहिए चीज है। यूरिया नहीं, खत्म हो गया ना, तो फिर गाड़ी चलेगी? पूरा धुआं मारेगी, पूरा धुआं मारेगी। ये धुआं मारती है। ये डीजल भी अगर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, यूरिया भी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा? नहीं, कोई दोनों चीजों मिक्सिंग। अच्छा, इसमें दोनों मिक्स करके चलाना पड़ेगा। साइलेंसर में यूरिया जाता है, लेकिन प्रदूषण नहीं उड़ना। अच्छा, पोल्यूशन के लिए वो यूरिया डाला जाता है। अच्छा, तो इसमें कितना लीटर का आ जाता है यूरिया? यूरिया 40 लीटर। 40 लीटर, उसका कितना मतलब की कीमत कितना आ जाता है? 1300 1320 1350। 40 लीटर को 1 लीटर 20 लीटर का। अच्छा, 20 लीटर का 1350 रुपये आ जाता है। 2 बाल्टी आता है। 2 बाल्टी आता है उसमें। उसको कितना, उसका दिन कितना दिन जाता है वो? उसका किलोमीटर के हिसाब से। किलोमीटर के हिसाब से जाता है, फिर भी कितना किलोमीटर में खत्म हो जाता है? 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर में 20 लीटर लगता है। अच्छा, इतना सब कुछ तामझाम इसमें अब हो गया है? पहले इतना कुछ तामझाम नहीं था। अच्छा, ये जो आपने लगाया हुआ है, आपको ये ट्रक शायद पसंद है, ये वाला ट्रक? ये कनाडा और US में चलता है ऐसा ट्रक। अगर कभी मौका मिला आपको ये ट्रक, आप चला पाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्या नहीं, गियर वही है, सब चीज वही है। जी जी, ये जो इसमें जो गियर जो है, बटन सिस्टम से दे दिया है। जी जी जी, इसमें जो है हाथ से लगाना पड़ता है। जी जी, उसमें जैसे रेसिंग दोगे ना जी, तो गियर अपने आप लग जाता है। जी जी, रेसिंग के। और एक बार उससे जानेंगे आपसे, ये ट्रक जो है ड्राइवर के लिए सेफ्टी के लिए बनाया गया है? अगर पहले ऐसे ट्रक तो थे? जी जी, हमारा भारत में ऐसे भी मॉडल का ट्रक थे पहले, शुरू में ऐसे ही थे। जी जी, ऐसे ही थे, सेफ्टी बहुत थी इसमें, सेफ्टी बहुत है। अगर एक्सीडेंट होगा कुछ तो इंजन हाँ रोक लेता, आप बस जो आदमी चलाता है वो पूरा सेफ रहेगा। अब जो है आमने सामने होता, ये पूरा आमने सामने रहता, अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को बहुत दिक्कत रहता है। इंजन अपने ऊपर लेता था। जी 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 जी, ये देखिए दोस्तों, इसका चढ़ाई करने का स्टेप देखिए दोस्तों, शानदार स्टेप यहाँ पर बनाया है। ऐसा करके आप आराम से इसके अंदर चढ़ सकते हैं। तो अभी हम आगे उस्ताद जी के केबिन के अंदर, उस्ताद जी केबिन को बहुत ही शानदार से यहाँ पर डेकोरेशन करके रखा हुआ है, देख सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो प्लाई का ये दोस्तों है ना, ये बहुत ही फूल वगैरह इसमें प्रिंट हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टेयरिंग दोस्तों, जिसका पावर वाला स्टेयरिंग आता है इसमें, पावर इसमें। गियर कितना लगता है इसमें? 8 गियर, बैक गियर मिलाकर 8 गियर इसमें रहता है। तो ये हो गया आपका सोने का, यहाँ पर ये आपका बेडरूम हो गया आपका। पीछे आपने एक अलग से मतलब घोड़ा वाला पोस्टर आपने लगा कर रखा हुआ है, वो आपका फैन आ गया आपका गर्मी से बचने के लिए। ये जो दिया है उसमें क्या कूलर लगा इसमें? कूलर है। अच्छा, इसमें ठंडी हवा आती है या फिर ऐसे ही लगा हुआ है? ठंडी लगता है, गाड़ी चलाने में डीजल लगता है उसमें। अच्छा, डीजल इसमें लगता है, अलग से डीजल इसमें लगता है। उसको चालू करेंगे तो गाड़ी जब चालू होगी तभी चालू होगी। जी जी जी, ये जो आपका मोबाइल चार्जिंग के लिए आपने लगाया, कंपनी दिया था ये अशोक लेलैंड का। अच्छा उस्ताद जी, इसका थोड़ा फीचर्स के बारे में बताएंगे, वो जो बटन वगैरह कुछ दिख रहा है हरा नीला और पीला वाला, क्या? जी जी, ये कंट्रोलर का है। जी जी, और ये क्या बोलते हैं, ये जो चारों लाइट का है। अच्छा, 4 इंडिकेटर का ही है। जी, ये जो है क्या बोलते हैं, जैसे उसमें वायरस आ जाता है। जी जी, ये स्टार्ट लिखा हुआ उसमें? हाँ, ये स्टार्ट लिखा है ना। जी, वायरस आ जाता है गाड़ी में। अच्छा अच्छा, तो इसको गाड़ी स्टार्ट करके 15 मिनट छोड़ दो, वायरस निकल जाता है। जी जी, ये जो है अपना, जो कोई कमी आएगी तो ये लाल बत्ती जल जाएगी। जी जी जी। अच्छा, वो जो वहाँ पर लाल वाला लगा हुआ वो क्या है? ये हॉर्न का। हॉर्न का ही, वहाँ पर वहाँ से हॉर्न बजता है इसका, अलग अलग हॉर्न बजता है शायद। इसमें कोई सेंसर वगैरह नहीं लगा हुआ है, जैसे कि आपको नींद आ रहा है तो आप मतलब कि वो कोई आपको जगाएगा, ऐसे कोई कंपनी को मैसेज भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। कर रहे थे तो खाना आप गाड़ी में हमेशा बना कर खाते हैं? कभी चांस मिलता है तो बना लेते हैं, ढाबे में खा लेते हैं। जी जी, टाइम की बात रहती है। अच्छा, जैसे गाड़ी चलाना रहता है। जी जी, तो फिर नहीं, टाइम नहीं रहता है, थक जाता आदमी। जी, तो जी, कौन खाना बनाएगा? जी, तो ढाबे में खाते हैं आप? फिर ढाबा में खा के आराम से नहाया, धोया, 2-4 घंटे आराम कर रहे। सर, अकेले चल रहे या फिर कभी कभार आपके साथ कोई? जब बड़ी गाड़ी थी तो डबल आदमी चलते थे। अच्छा, डबल चलते थे। अच्छा, ये बात है, तो रास्ता तिरपाल करना पड़ता है। जी जी जी, तो उसमें डबल आदमी होना, इसमें कंटेनर तिरपाल वगैरह दरकार नहीं है इसमें? कोई मतलब नहीं, डब्बा बंद करो और लेके चलो। अच्छा, ये बात है, लेकिन 2 आदमी रहने से थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, माहौल थोड़ा अच्छा तो बातचीत करते हैं। पेमेंट नहीं देते ना? अच्छा, सेठ पेमेंट नहीं देते, इसलिए कोई बंदा रहना नहीं चाहता है? बिना 8-10 हज़ार के नीचे कोई रहेगा नहीं आजकल के जमाने। जी जी जी, महंगाई बहुत है। जी जी, ये बात है।
अच्छा, ये गाड़ी का टॉप स्पीड कितने का आ जाता है इसमें? टॉप स्पीड मतलब कि सर्वोच्चम स्पीड के में कितना आप चला लेते हैं इसमें? जी 80 तक इसका लिमिट है इसमें चलाने का। जी जी, चलाने में तो 120 तक है, 140 तक है। जी, मगर अपने जितनी गाड़ी थमे गया उतने तो मैं चलाऊंगा। अच्छा, ये बात। अगर उस्ताद जी, आपका इतने सालों का तजुर्बा है आपका, अगर कोई नया बंदा इस लाइन में आना चाहता है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए या फिर क्या? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए उसको? बहुत गंदी लाइन होगी। अच्छा, बहुत गंदी होगी पहले से। तो ठीक है उस्ताद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। यहाँ पर देखिए म्यूजिक सिस्टम का बॉक्स लगा हुआ है, वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पर आपका म्यूजिक सिस्टम नहीं है? कहाँ है आपका ये वाला बक्सा में? ये है ना। अच्छा, ये बक्सा में उस्ताद जी देखिए म्यूजिक सिस्टम लगा कर रखे हुए भाई, बहुत ही शानदार। ये बक्सा अलग से बनाया है इसलिए ना क्या? तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।